चलिए तो शुरू करते हैं प्रोसेस। तो सबसे पहले हम या ये सैटेलाइट कहां पर है? ये सैटेलाइट है अर्थ पे। हमको इसको अर्थ से एक डिजायर्ड ऑर्बिट में भेजना है। गुड आफ्टरनून सिद्धेश, गुड आफ्टरनून। तो स्टेप वन, हम इस सैटेलाइट को अर्थ से एक डिजायर्ड ऑर्बिट में भेजना चाहते हैं। बोलो भाई कैसे करेंगे? छत पे जाके रख देने का सैटेलाइट को रात को, फिर वो चला जाएगा क्या? ऐसा होगा? चलिए बोलिए जल्दी जल्दी, फिर क्या करना पड़ेगा? वो जैसा गो करो ना, गो करो ना, वैसा गो सैटेलाइट, गो सैटेलाइट। बोलिए कैसे जाएगा सैटेलाइट डिजायर्ड ऑर्बिट में, कैसे पहुंचेगा? शाबाश तन्मय, वेरी गुड एके, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बीजे। हमको रॉकेट का यूज करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्चिंग व्हीकल, जो सिंपल वर्ड्स में हम यूज करते हैं रॉकेट। अरे दिवाली का टाइम आ रहा है, वॉज एक्सपेक्टिंग, वेरी गुड एके। जीएसएलवी या पीएसएलवी, शाबाश। यस प्रणव, बहुत बढ़िया। तो हम यूज करेंगे रॉकेट। रॉकेट इज द कॉमन वर्ड फॉर द लॉन्चिंग व्हीकल। तो आपके रॉकेट के आगे टिप पे आप सैटेलाइट को सजा दीजिए, रॉकेट को आग लगा देंगे, रॉकेट पहुंच जाएगा डिजायर्ड ऑर्बिट में। तो ये सब कैलकुलेशंस किए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि रॉकेट को अपन ने छोड़ दिया, रॉकेट कहीं भी चला गया। सो ऑल दीज थिंग्स आर कैलकुलेटेड, सो वी हैव अ डिजायर्ड ऑर्बिट टू बी रीच्ड। उसके हिसाब से रॉकेट बनाया जाएगा, उसको वेलोसिटी दिया जाएगा, ये रॉकेट इधर पहुंच गया, स्टेप वन इज ओवर। अब यहां पे पहुंचने के बाद द रॉकेट इज टिल्टेड बाय 90 डिग्रीज, तो उसको 90 डिग्रीज का टिल्ट दिया जाएगा एंड अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल बी गिवन टू इट। तो ये जो अपना रॉकेट यहां पे पहुंच चुका है, द रॉकेट विल बी टिल्टेड बाय 90 डिग्रीज एंड पुश इज नाउ गिवन टू इट तो बेसिकली कम से कम इतना स्टेप्स लगेगा। इसमें कम से दो स्टेप लगेगा। स्टेप वन मुझे चाहिए फ्रॉम अर्थ टू द डिजायर्ड ऑर्बिट पहुंचने के लिए। दिस इज माय स्टेज ऑफ द रॉकेट। तो मेरा सेकेंड स्टेज है रिक्वायर्ड आफ्टर चेक करने लग गया वाला अगर रेंडा दर्द कर रहा है। तो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन कि रॉकेट में कम से कम कितनी स्टेज होनी चाहिए। सो द मिनिमम स्टेजेस रिक्वायर्ड इज टू। उससे ज्यादा जितना हाइट रहेगा उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली 15 स्टेज 16 स्टेज लगता है। आप जितनी ज्यादा हाइट पे जा रहे हो, कम हाइट रहेगा तो ऑटोमेटिकली कम स्टेज का रॉकेट चाहिए। और मिनिमम कितनी स्टेज का रॉकेट चाहिए? मिनिमम मुझे 2 स्टेज का रॉकेट चाहिए। जब करी को ना करे आप येलंबु करी ठीक है। हमारी आवाज सबको अच्छे से? ओके, सो मिनिमम 2 स्टेजेस आर रिक्वायर्ड। यहां पर पहुंचने के बाद हम उसको क्या दे रहे हैं? हम उसको दे रहे हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो इधर पहुंचने के बाद हम रॉकेट को क्या दे रहे हैं? हम रॉकेट को दे रहे हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो ये देखिए, ये आपका VH, VH is my horizontal velocity that will be given to the rocket. तो यहां पर पहुंचने के बाद रॉकेट को हमने दिया horizontal velocity, तो हमने दिया रॉकेट को VH। अब VH देने के बाद
चार चीज हो सकती है, ये हमने चार केसेस लिख के रखा है। सो ये चार पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं व्हेन वी गिव VH टू दिस रॉकेट और टू दिस सैटेलाइट। तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, वी विल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक एस्पेक्ट ऑफ इट। हमने इस रॉकेट या इस सैटेलाइट को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया सो दैट इट कैन रिवॉल्व अराउंड अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। तो हम चाहते हैं कि ये अर्थ के अराउंड गोल गोल घूमे। तो ऐसा करने के लिए जो मुझे एक पर्टिकुलर वेलोसिटी देनी होती है उसको बोला जाता है क्रिटिकल वेलोसिटी। मतलब जब हम क्रिटिकल वेलोसिटी देंगे तो क्या होगा, तो जो सैटेलाइट है इट विल रिवॉल्व अराउंड अर्थ इन अ सर्क्यूलर ऑर्बिट। तो देखो VH is equal to VC. अगर हमने VH दिया and this VH is equal to VC, तो आपका सैटेलाइट कैसा घूमेगा? आपका सैटेलाइट जो है it will revolve around Earth in which orbit? It will revolve in a circular orbit. चलिए सर्कल बना लेते हैं। तो हमने VH दिया इस प्रकार से दिया कि आपका सैटेलाइट गोल घूम रहा है। तो सैटेलाइट को गोल घुमाने के लिए जो वेलोसिटी चाहिए उसका नाम क्या है? उसका नाम है क्रिटिकल वेलोसिटी। तो एग्जैक्टली क्रिटिकल वेलोसिटी दे दिया तो आपका सैटेलाइट क्या हो रहा है? गोल घूम रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। अब सपोज हमने क्रिटिकल वेलोसिटी से थोड़ा कम दिया होता, क्रिटिकल दिया तब तो मैं समझ गया क्रिटिकल दिया गोल घूमेगा। चलो भाई दे दिया क्रिटिकल VH इज इक्वल टू VC, गोल घूमेगा। पर अगर क्रिटिकल से कम वेलोसिटी दिया होता तब क्या होता? क्या ये गोल घूमता? ये गोल नहीं घूमता उस टाइम पे। बोलो भाई क्या लगता है आपको? अभी गोल घूम रहा है। अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्रिटिकल से कम होता बहुत बढ़िया, इट फॉल्स बैक ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। सो जो हमारा फर्स्ट केस है व्हेन VH इज लेस देन द क्रिटिकल वेलोसिटी व्हाट हैपेंस टू द सैटेलाइट? Please remember, it falls back on the surface of Earth. वो इस Earth के surface पे फिर से गिर जाएगा, तो वो circle में नहीं घूम पाएगा। यानी basically first step, actually हमने velocity दिया वो critical नहीं था, critical से कम था, तो क्या हुआ? वो Earth पे वापस आ गया। इसीलिए ये जो सारे process हैं, ये आपने सुना होगा, ये सब समुद्र के किनारे श्रीहरिकोटा वो समुद्र के किनारे पे किया जाता है ताकि जब अगर ऐसा कुछ हो तो इन सच अ सिचुएशन वो रॉकेट वो सैटेलाइट वो सब जो डेब्रिस है वो कहां पर जाके गिरे? वो समुद्र के अंदर गिरे, वो रेसिडेंशियल एरिया में ना गिरे और किसी की जानो माल को नुकसान ना हो। तो इस तरीके से जनरली आप देखेंगे कि जितने भी आपके ऐसे स्पेस स्टेशन और ये सब सेंटर्स बने हुए हैं वो उधर ही कोने में बने हुए हैं समुद्र के पास। तो स्टेप वन इट फॉल्स बैक, स्टेप टू सर्कुलर पाथ। माइन्यूट जो आपके लिए है वो बहुत यहां पर बहुत मेजर है। सो यहां पर जो अभी वो माइन्यूट है वो मेजर है वो यहां पर डिसाइड होगा। तो एनीवेज ये हो गया आपका सर्कुलर पाथ। स्टेप थ्री, हमने जो वेलोसिटी दिया
हमने जो वेलोसिटी दिया वो अगर क्रिटिकल से ज्यादा है, वो क्रिटिकल से ज्यादा है पर एस्केप वेलोसिटी से कम है। के समझिए, केसरी, क्रिटिकल से ज्यादा पर एस्केप से कम, मतलब सैटेलाइट पहले फुल जोर से आगे जाएगा, उसको भी लगेगा कि निकल गए अपन, बट फिर वो एस्केप जितना नहीं है तो वापस अर्थ उसको खींच लेगा। तो पहले ये फुल फॉर्म में निकलेगा आगे, बट फिर अर्थ इसको खींच लेगा और ये अपना अर्थ के अराउंड फिर से गोल घूमना शुरू कर देगा। तो यहां पे कर रहे इस केस में एक एग शेप्ड ऑर्बिट तैयार हो जाता है। तो इन दिस सिचुएशन वी से कि इट इज मूविंग अराउंड अर्थ इन एन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट। तो केस वन, व्हेन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज क्रिटिकल से कम, इट फॉल्स डाउन। अभी बाई चांस अगर थोड़ा सा आगे पीछे, जैसे आपको लगता है कि यार एकदम हल्का सा रहेगा तो आपका इधर ऑर्बिट में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, एकदम माइन्यूट चेंजेस के लिए डजंट फॉल डाउन, देन डेफिनेटली देयर इज ऑर्बिटल चेंज, स्लाइट अ बिट ऑफ ऑर्बिटल चेंज। हम बात कर रहे हैं जैसे मुझे रिक्वायरमेंट है 7 का और दिया गया है 4 या दिया गया है 3, तो इन सच अ सिचुएशन इट विल फॉल डाउन। मुझे 7 का रिक्वायरमेंट है, 6.9 दिया गया है, तो देन वो ऑर्बिटल थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, अ फ्यू किलोमीटर्स हियर एंड देयर। सो ऐसा नहीं है कि एकदम प्रिसिशन, वो तो क्योंकि बाहर जाने के बाद हमारे हाथ में बहुत ज्यादा कुछ बचता नहीं है, फिर वो सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का खेल है एंड बाकी सैटेलाइट की आत्मा और परमात्मा का खेल है। सो स्टेप थ्री इज इलेक्ट्रिकल। स्टेप फोर, हमने जो वेलोसिटी दिया वो एस्केप वेलोसिटी के इक्वल है या ग्रेटर देन है। तो यहां पर भी दो पॉसिबिलिटी है, आपने जो वेलोसिटी दिया वो एस्केप वेलोसिटी दिया या फिर आपने जो उसको वेलोसिटी दिया वो ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी दिया। दोनों केस में जाता तो वो बाहर ही है। In this case, it escapes from the Earth's gravitational influence. तो जब आप इसका आंसर लिख रहे हो, इसका आप थियोरेटिकल आंसर लिख रहे हो, तब इधर फर्क नहीं पड़ता है। ग्रेटर और इक्वल टू के लिए पॉइंट अपना सेम ही रहता है, इट एस्केप्स फ्रॉम अर्थ्स ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस, बट कंडीशन के हिसाब से थोड़ा इधर इसके मूवमेंट में फर्क होता है। इफ इट इज इक्वल टू एस्केप देन इट इज फाउंड टू बी पैराबोलिक। So it is parabolic in nature if your VH is equal to VE and it is hyperbolic in nature if it is greater than एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी से भी आपने समझो एक डेढ़ गुना ज्यादा दे दिया, तो दोनों ही केसेस में इट इज गोइंग टू लीव द अर्थ ग्रेविटेशनल इंफ्लुएंस, वो अर्थ के बंधन में नहीं है, इट इज इनटू स्पेस। पर यहां पर द शेप और द पाथ इज पैराबोलिक, यहां पर द पाथ इज हाइपरबोलिक। तो ये आपका एक कंप्लीट आंसर है। इसके पहले भी एक आंसर किया है हमने, आंसर क्या था कि रॉकेट से जब आप इधर भेजोगे तो कितने स्टेज का रॉकेट चाहिए,
तो मेरे को दो स्टेज का रॉकेट चाहिए, कम से कम कितने स्टेज का? दो स्टेज का. जस्टिफाई योर आंसर. सो द फर्स्ट स्टेज इज रिक्वायर्ड टू रीच द डिजायर्ड वर्टिकल डिस्टेंस एंड द सेकेंड स्टेज इज रिक्वायर्ड टू गिव अ हॉरिजॉन्टल पुश और अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी टू द सैटेलाइट. तो जिस वजह से आपका ये जो सैटेलाइट है ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा. अब सर्क्यूलर मोशन का एक कॉन्सेप्ट देखेगा. सर्क्यूलर मोशन का कॉन्सेप्ट इधर क्या? ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, ये आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन. दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. हमने ये चीज सर्क्यूलर मोशन में देखा है. सेंट्रीपिटल फोर्स एंड वेलोसिटी, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. और ऐसे सिचुएशन में द पाथ इज व्हाट? द पाथ इज सर्क्यूलर. सो व्हेनेवर देयर इज सर्क्यूलर मोशन, फोर्स एंड वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, दे विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो ये जो क्वेश्चन है इट विल बी आस्क्ड एज अ डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ अ सैटेलाइट. दो मार्क के लिए यह आंसर आता है. सिर्फ ड्रॉ करने के लिए भी बोल सकते हैं, ड्रॉ के साथ आपको सब केसेस लिखने को बोल सकते हैं, तो देन इट कम्स फॉर 4 मार्क्स. कभी कभी सिर्फ केसेस लिखने को बोलते हैं 2 मार्क. सो दिस इज योर एंटायर आंसर. इसमें मेरे को 3 टर्म्स या 3 नाम याद रखने चाहिए. VH इज द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. कोई कोई बुक्स में आपको ये VP भी दिखेगा. VP, ये जो VH है, ये VH आपको कहीं कहीं पे VP भी दिखाई देगा. वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन. जिस वेलोसिटी से हमने सैटेलाइट को प्रोजेक्ट किया या फेंका, तो दैट इज माय वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन. सो VH VP एक ही चीज है. सेकेंड इज क्रिटिकल. क्रिटिकल स्पीड या क्रिटिकल वेलोसिटी क्या हुआ? वो वेलोसिटी जो हमने सैटेलाइट को जब दिया तो सैटेलाइट क्या करेगा? अर्थ के अराउंड गोल घूमेगा. सो इट इज द मिनिमम वेलोसिटी दैट मस्ट बी गिवन टू अ सैटेलाइट सो दैट इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट या क्लोज्ड सर्कुलर ऑर्बिट. सो द मिनिमम वेलोसिटी दैट मस्ट बी गिवन टू अ सैटेलाइट सो दैट It revolves around Earth in a closed circular orbit. उसको क्या बोलेंगे? Critical velocity. तीसरा नाम है escape velocity. तो जब आप body को escape velocity दोगे, वो क्या हो जाएगा? It will escape. It will overcome the Earth's gravitational influence and move into space. चलिए इसका एक पिक ले लीजिए प्लीज. एक मिनट, आई जस्ट स्विच ऑफ द लाइट सो दैट. चलिए लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट डेरिवेशन. द डेरिवेशन इज फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी. अभी हम क्या करेंगे? हम क्रिटिकल वेलोसिटी, अभी आपने सुन लिया, समझ लिया कि क्रिटिकल वेलोसिटी कुछ होता है, तो भाई हम निकालेंगे कैसे ये क्रिटिकल वेलोसिटी? चलिए सो वी विल मूव अहेड नाउ एंड डू द डेरिवेशन फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी. ओके स्टूडेंट, सो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है? हमको डेफिनेशन मालूम है. ये वो वेलोसिटी है जब हम बॉडी को देंगे तो बॉडी अर्थ के अराउंड गोल घूमेगा. तो नाउ वी आर ऑन टू द डेरिवेशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी. ये हमारे पास अर्थ है, ये आपका डिस्टेंस हो गया आर, कैपिटल एंड मास ऑफ अर्थ
टेक दिस डिस्टेंस एज h, ये पूरे को आप लिख दो स्मॉलर, ठीक है। अब जितने भी डेरिवेशन हम करेंगे सब डेरिवेशन में यही कॉमन डायग्राम रहेगा, तो अब आगे जितना भी आपका चैप्टर रहेगा इसमें जितने भी डेरिवेशन आएंगे ये कॉमन डायग्राम है और फर्स्ट पॉइंट सबका सेम रहेगा। क्या फर्स्ट पॉइंट है देखिए, ये कल भी देखा था हमने, ले कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ, कैपिटल आर रेडियस ऑफ अर्थ, h इज द हाइट, स्मॉल r इज आर क्रॉस h, एंड vc इज द क्रिटिकल वेलोसिटी। तो फर्स्ट पॉइंट में हमको सारे के सारे टर्म्स जो हमने लिखे हैं वो दे देंगे इधर, ये आपका सर्कुलर ऑर्बिट है, हमने क्रिटिकल वेलोसिटी दिया इसके लिए सैटेलाइट इधर गोल घूम रहा है। डायग्राम क्लियर है सबको? कैन वी मूव अहेड विद द डेरिवेशन? डायग्राम एंड फर्स्ट पॉइंट, लाइक कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ, कैपिटल आर रेडियस ऑफ अर्थ, एच इज द हाइट, स्मॉल आर इज आर प्लस एच, ये हमने स्पेसिफाई कर दिया इधर, वी सी इज द क्रिटिकल वेलोसिटी। बोलो भाई, किसी को भी कुछ भी डाउट है क्या इधर? डायग्राम फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? दिखा दो भाई अंगूठा जल्दी जल्दी, तो आगे बढ़े। यस ओके, थैंक यू एंसिलो, थैंक यू विजी, थैंक यू, चलो शिवम, थैंक यू सो मच। अब पढ़ते हैं सेकंड पॉइंट में, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। भैया कल सीखा था हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सीखा था, क्या सीखा था हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, कि जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स F, ये जो मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स है F, इट इज इक्वल टू G M M अपॉन R स्क्वायर, इस बॉडी का मास M, ये मास भी इधर आना चाहिए। सो कैपिटल M मास ऑफ अर्थ, स्मॉल M इज द मास ऑफ सैटेलाइट। So according to Newton's law of gravitation, the gravitational force F is equal to gmm upon r square. Abhi, as the body likho ya as the satellite? परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन, तो हम क्या लिख सकते हैं? यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन कब होता है? यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन अगर होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स होना ही चाहिए, बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के सर्क्यूलर मोशन नहीं हो सकता। सो बॉडी इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन, सो सेंट्रीपिटल फोर्स इट इज एम bc square upon r, ये आपका centripetal force का formula है, centripetal force is m bc square upon r। अब ध्यान से सुनिए, what is the centripetal force? It is the force which is acting towards the center, any force which is acting towards the center of the circle is known as centripetal force। यहाँ पर please ध्यान दीजिए, बॉडी इधर है, ये देखो सेंट्रीपिटल फोर्स, बॉडी इधर है, ये रहा सेंट्रीपिटल फोर्स, बॉडी इधर है सेंट्रीपिटल फोर्स, बॉडी इधर है सेंट्रीपिटल फोर्स, बॉडी इधर है सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही तो सेंट्रीपिटल फोर्स है, वही मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। प्लीज रिमेंबर, सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ रियल फोर्स, इट मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय समबडी। तो यहां पर अपने को सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इन सर्कुलर मोशन। गाड़ी घूम रहा था, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा था?
फ्रिक्शन के वजह से हमको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा था। शाबाश सुनील। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर फोर जो फाइनल पॉइंट है अपना दिस सीपीएफ इज प्रोवाइडेड बाय योर ग्रेविटेशनल फोर्स। सो एम वी सी स्क्वायर अपॉन आर is equal to GMM upon R square। देखो भाई कुछ कट हो रहा है क्या? MM कट, एकार एकार कट। अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए VC। तो VC क्या मिलेगा? It will be square root of GM upon small r। But small r क्या चीज है भाई? Smaller is equal to R plus H। आप यहाँ पे या यहाँ पे रुक सकते हो। ये हो गया आपका क्रिटिकल वेलोसिटी का डेरिवेशन। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, ये क्या है हमारा? ये क्रिटिकल वेलोसिटी का डेरिवेशन है हमारे पास। अब इसके अंदर क्या क्या गेम खेलते हैं वो ध्यान से सुनिए। Derive an expression for critical velocity for a body which is moving very close to the earth surface। अभी बच्चा critical velocity तक तो ले आता है, फिर सोचता है यार ऐसा कुछ तो हमने किया ही नहीं है। If the body is moving very close to the earth surface, मतलब h का value कितना? h will be approximately zero, h will be neglected since the body is very close to the earth surface। एक्स को छोड़ दो, आप क्या मिला आपको? आपको मिला जी एम अपॉन कैपिटल आर। बोलो समझ में आया कि नहीं केस? यस, ओनली आर विल बी रिटेन्ड, एच हट जाएगा उधर से। ठीक है, अब देखिए, अब लिंक में लिंक देखिए भाई। हम सिर्फ इतना सीख कर छोड़ देते हैं, अब वो अंदर कैसे घुमाता है? आपको ये फॉर्मूला मालूम है? आपको मालूम है कि स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वेयर। अब वो क्या करता है देखो, आपको बोलेगा प्रूव दैट VC is equal to square root of GR। और बाद में आप टीचर को गाली दोगे, आप बोल रहे हैं हम लोग सर ने तो बराबर से पढ़ाए, हम लोग सर ने हमको सिखाया है नहीं। अरे तुम्हारे सर ने तुमको ये सिखा दिया, तुम्हारे सर ने तुमको यहाँ पर ये सिखा दिया, अब इनको जगह पे फिक्स कर दो भाई। इतना तो करो, साइंस के स्टूडेंट हो। क्या होता है, हम होते हैं साइंस वाले पर हरकतें करने और चाहते हैं दूसरे ब्रांचेस की, तो वैसा नहीं चलता ना भाई। दिमाग है तो लगाना पड़ेगा, साइंस तो वही है। तो इफ यू हैव अ बॉडी विच इज रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस, आप देखिए इसके आगे का खेल देखिए। आई होप आपको दिख रहा है। सो इफ इट इज वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस, वीसी कितना हो गया? जी एम अपॉन कैपिटल आर। I hope आपको ये समझा, very close to the earth surface। अब GM को आप लिख सकते हो GR square, तो GM को आप लिखोगे GR square upon R, RR कट हो गया, क्या मिला? Square root of GR। ये भी आ गया critical velocity का formula। तो question में critical velocity दिया है, small g दिया है, R दिया है, हम ढूंढते रहते हैं, अरे क्या है, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? बोलो भाई समझ में आया कि नहीं? अभी और देखिए, ये चीज देख लिया। अब एक और चीज देखिए, क्रिटिकल वेलोसिटी को वो डेंसिटी के साथ रिलेट करेगा। यानी आपको एमसीक्यूज की बात कर रहा हूं स्पेशली में, आपको ऑप्शंस जो दिख रहा है उसमें आपको डेंसिटी दिखाई दे रहा है, डेंसिटी। तो डेंसिटी का सिंपल मतलब है कि आपका मास का टर्म रिप्लेस कर दिया गया भाई। चलिए ये फर्स्ट स्टेप में हटा रहा हूं, इसका पिक ले लो पहले। डन सर।
डन सर डन सर ओके चलिए इसका भी आपको एक और एप्लीकेशन दिखाता हूं। उसमें क्या किया जाएगा, ये क्रिटिकल वेलोसिटी जो है इसको वो बोलेगा डेंसिटी के टर्म्स में लिख के बताओ, या आपको तीन चार ऐसे ऑप्शन देगा और डेंसिटी के टर्म्स में कैसे लिखोगे देखो आप। DC is equal to square root of GM by R. Mass is density upon volume. So volume is 4 by 3 pi R cube. A का A कट हो गया, हो गया R square. 4 का square root 2, R square का R. Rho pi upon 3. अभी pi rho g g pi rho ये देख देख लेना भाई। तो बोलेगा नहीं सर आपने तो लिखा था इससे था। अब वो ये आगे पीछे। इसे वास्ता है। सही बात है। नहीं। What an MCQ? तो MCQs जो है वो basic formula को लेकर ही बनते हैं। Same चीज़ देखिए इधर। BC इसको हम GH के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग GH के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं प्लीज ध्यान दीजिए। आप लिखोगे इधर GH R स्क्वायर अपॉन आर 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 कट, दिस इज जी एच। वाई? बिकॉज वी नो दैट जी एच इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। बोलो भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए सब एक पिक ले लीजिए, एक मिनट रुको मैं जरा हाईलाइट कर देता हूं। तो आपको ध्यान में रहेगा कि क्या देखना है आपको इधर। ओके चलिए अभी आपका 5 मिनट और लूंगा और टाइम पीरियड भी हम लोग खत्म कर देंगे। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बोलो भाई कुछ डाउट है इसमें? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड अपन सबको मालूम है, ये बचपन से मालूम है। ओके चलिए टाइम पीरियड का डेरिवेशन कर लेते हैं हम लोग। टाइम पीरियड क्या बोलता है? देखो टाइम पीरियड का मतलब होता है एक राउंड मारने के लिए जो टाइम लगा उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। सो इट इज द टाइम रिक्वायर्ड बाय द सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रोटेशन या वन सर्क्यूलर मोशन या वन रेवोल्यूशन अराउंड अर्थ। तो सैटेलाइट जब अर्थ के अराउंड एक चक्कर लगा लेता है उसके लिए जो भी टाइम लगेगा वो हो जाएगा उसका टाइम पीरियड। तो अगला डेरिवेशन
टाइम पीरियड के लिए रहेगा। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट विल रिमेन द सेम, कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ, कैपिटल आर रेडियस ऑफ अर्थ, स्मॉल एम मास ऑफ द सैटेलाइट, एच इज द हाइट, ये दोनों के डिस्टेंस को मिला लो आप आर है टाइम पीरियड, स्मॉल एम इक्वल टू आर Someone is unmuted again. Okay. Someone is Sahil sound. Sahil Sawant. Sir ji, देखिए बुरा मत मानिए, अगर बार बार आपकी तरफ से ऐसा disturbance होगा तो मुझे न चाहते हुए भी फिर आपको remove करना पड़ेगा, फिर प्लीज इसका बुरा मत मानेगा, बिकॉज अगर एक के वजह से सबको डिस्टर्बेंस होगा तो अच्छा नहीं लगता है ना। सो पॉइंट नंबर वन, लेट कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ, कैपिटल आर रेडियस ऑफ अर्थ, स्मॉलर इज द मास ऑफ द सैटेलाइट या मास ऑफ द बॉडी, एच इज द हाइट, BC is the critical velocity, T is the time period. तो हमने सारे के सारे points cover कर लिए। आ जाइए derivation का आ Point number two, time is equal to distance upon speed. ये अपने को पता ही है। तो time period जो है वो एक round मारेंगे। जब आप एक राउंड मारेंगे तो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे आप, तो आप सर्कमफेरेंस कवर करेंगे। सो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस अपॉन स्पीड। वेरी गुड निशा, सर्कमफेरेंस के जगह पे हम लोग लिख देंगे 2 पाई आर। बीसी आपने अभी अभी निकाला है, बीसी इज जी एम अपॉन स्मॉल आर। अब जो नेक्स्ट स्टेप लिखने जा रहा हूं, नेक्स्ट दो स्टेप्स जरा प्लीज ध्यान से देखिएगा। सो 2 पाई ये नीचे जो रूट आर था इसको हमने ऊपर ले लिया, डन है। अब नेक्स्ट स्टेप जरा प्लीज ध्यान से देखना। सो देयरफॉर टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ आर क्यूब अपॉन जी एम। ये समझ में आ रहा है क्या सबको, बताइए। ओके चलिए, मैं ऐसा नॉर्मली एक्सपेक्टेड है, मतलब ऐसा सबको समझ में आना चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है भाई, प्लीज ध्यान देना। जिसको नहीं आया, आता सबको है पर वो उल्टा देखने का आदत नहीं है हमको इसके लिए। चलिए प्लीज ध्यान दीजिए, अभी आ जाएगा आपको समझ में। सो सपोजिंग इफ वी हैव स्क्वायर रूट ऑफ ए क्यू, कैन वी राइट दिस एज ए स्क्वायर इनटू ए, and therefore can we write this as a root a, so that means a root a is equal to this, yani isko aapne andar liya to ye a square ho jayega aur fir aapne in dono ko multiply kiya to ye a cube ho jayega, same cheez idhar hai। Is this done? Is this derivation understood? ओके पर वो एग्जाम में आपको ये नहीं पूछता, एग्जाम में वो आपको ये पूछता है शो दैट
टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, ये उनका फेवरेट क्वेश्चन. दे विल नॉट आस्क यू दिस डेरिवेशन, ईमानदारी से कि टाइम पीरियड का डेरिवेशन करके बताओ. दे विल आस्क यू दिस, शो दैट या प्रूव दैट टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यू. तो इसके आगे हमको सिर्फ एक स्टेप करना है. टी तक आप पहुंच गए हो, देखो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए टी स्क्वायर. तो क्या करना चाहिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. तो क्या कर देंगे आप, दोनों साइड्स को स्क्वायर कर दीजिए. तो ये साइड पे आप स्क्वायर करिए तो आपको मिलेगा देयरफॉर, इसको स्क्वायर कर दो, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब. जी फिर क्या करेंगे हम लोग, ये देखो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, फिर आप लिख दोगे देयरफॉर t square is proportional to r cube. Why? 4 pi square and gm. What are they? They are constants. उसका वैल्यू चेंज होने वाला है क्या? उसका वैल्यू चेंज होने वाला नहीं है. इसीलिए वो लोग क्या है? कॉन्स्टेंट है. So students, ये एक और डेरिवेशन खत्म कर रही है आप लोग ने. I really don't understand. ये दिवाली की खुशी आप लोग की कि क्या बात है, जो आप इतने फटाफट भाई बहुत तगड़े आंसर आपने खत्म किया आज. कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज आपने रॉकेट के दो स्टेजेस, फिर आपने डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ अ सैटेलाइट, फिर आपने क्रिटिकल वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड, ये आपने सब आंसर्स आज निपटाए हैं. आई एम रियली हैप्पी.